हमने उसको जमीन में बड़ा इक्तदार दिया था और हर तरह का सामान उसको अता किया था, तो उसने एक सफर का सामान किया यहां तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है और उस चश्मे के पास एक कौम देखी। हमने कहा, ज़ुल्क़रनैन, तुम इनको खा तकलीफ दो खा इनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की तुमको। ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि जो कुफ्र बदकिरदारी से जुल्म करेगा उसे हम सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसे बड़ा अजाब देगा, और जो ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है, और हम अपने मामले में उससे नर्म बात। ने सफर किया यहां तक कि सूरज के तुलू होने के मकाम पर पहुंचा तो देखा कि वो ऐसे लोगों पर तुलू होता है जिनके लिए हमने धूप से बचाव की कोई ओट नहीं बनाई थी। हकीकत यूं ही थी और जो कुछ उसके पास था हमको सबकी खबर थी। और सफर का सामान किया यहां तक कि दो ऊंचे सीधे पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो देखा कि उनके उस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। उन लोगों ने कहा कि ऐ ज़ुल्क़रनैन, याजूज और माजूज इस इलाके में फसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खींच। कहा कि खर्च का जो मकदूर अल्लाह ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है, तुम मुझे कुव्वत बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते मेरे पास लाओ। चुनाचे काम जारी कर दिया गया यहां तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया और कहा कि अब इसे धोको, यहां तक कि जब उसको धोंक धोंक कर आग कर दिया तो कहा कि अब मेरे पास तांबा लाओ कि उस पर पिघला कर डाल दूं। फिर उनमें यह कुदरत न रही कि उस पर चढ़ सकें और न यह ताकत रही कि उसमें नकब लगा सकें। बोला कि यह मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, फिर जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुंचेगा तो उसको